और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुकते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना कर रहे हैं और वहां वो 48 घंटे तक ध्यान साधना करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस ध्यान साधना को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कैमरे के सामने ध्यान करके मोदी नाटक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु कांग्रेस तो प्रधानमंत्री मोदी के मौन व्रत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई है। तमिलनाडु कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी विपक्ष को सनातन विरोधी बता रही है। पैतालीस घंटे ध्यान में घर में कर सकते थे, वो वहां जाने की क्या जरूरत थी। वहां 10,000 पुलिस, उनको उनकी रक्षा के लिए रहेंगे। ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। मुझे लगता है कि हर बात पर प्रधानमंत्री के कोई भी एक्शन पर मतलब रिएक्शन दी जाती है, तो अच्छी बात नहीं है। साधना कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और ध्यान से, और ऐसी स्थिति में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और ध्यान करेंगे। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। 100% हम वो नंबर लाएंगे, उतने 273 के ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग साधना जारी है। भगवा वस्त्र में प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सुबह सूर्य देव को जल अर्पित की और फिर ध्यान मंडपम की परिक्रमा की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना के लिए एक आसन पर ज्ञान मुद्रा में बैठे और दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला के साथ मंत्रोच्चार करते दिखाई दिए। कुमारी में प्रधानमंत्री ध्यान में तल्लीन हैं, लेकिन देश की सियासत में उनके ध्यान पर घमासान मचा हुआ है। वो ध्यान में 45 घंटे ध्यान में घर में कर सकते थे, वो वहां जाने की क्या जरूरत थी। वहां 10,000 पुलिस, उनको उनकी रक्षा के लिए रहेंगे, फिर उसके पीछे बहुत से अधिकारी रहेंगे और वहां पहुंचने के लिए उनको इतने फ्लाइट गए होंगे, ये नाटक क्यों। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान योग को नाटक बता रही है, तो वहीं आरजेडी सवाल कर रही है कि ध्यान में कैमरों का क्या काम। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के सवाल पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस तरह की घटिया बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी सनातन प्रेमी है, साधक है, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया है और हर बार कैंपेन के बाद वो अध्यात्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री तो ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या ऐतराज हो जा रहा है।
प्रधानमंत्री पर ज्यादा ध्यान है, प्रधानमंत्री हर काम इनसे पूछ के करेंगे। जो जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, सनातन धर्म पे चलते हैं और अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से वो ध्यान करते हैं, इस पर भी एतराज हो रहा है, ये ताज्जुब का विषय। असल में प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी से आ रही तस्वीरें पूरे देश में देखी जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि यही बात विपक्ष को परेशान कर रही है। उन्हें डर है कि इन तस्वीरों का असर आखिरी चरण के चुनाव पर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।